नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089752384455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @StudyForCivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो UPPSS की हम पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको अगले वीडियो के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं आज के, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तथा कोयला क्षेत्र का सही सुमेलित युग्म है इसमें, ठीक है। तो फेमस कुछ कोल माइंस के जो रीजन हैं तो इसमें संबलपुर ओडिशा, ये तो ठीक है। बाकी जैसे बैतूल है तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। सारजुगा जो है ये छत्तीसगढ़ और रामगढ़ झारखंड। एक ड्वार्फ प्लैनेट है ना बौना ग्रह, जिसका नाम है सिरिस, तो इनमें से किन ग्रहों के मध्य ये स्थित है? तो हमारे इनर सोलर सिस्टम वाले पार्ट में देखेंगे तो मार्स और जुपिटर के बीच जो है इसकी लोकेशन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जैसे अभी 2022 में हुआ था कॉमनवेल्थ बर्मिंघम में इंग्लैंड में, ठीक, तो ये था 22वां एडिशन। और जो 23वां एडिशन होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का वो होगा 2026 में और ऑस्ट्रेलिया के जो टाउन है विक्टोरिया, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो स्पेस प्रोग्राम जैसे इसरो वगैरह स्टार्ट हुए तो इसके पहले कई सारे इनिशिएटिव्स किए गए, तो विक्रम साराभाई जो है इसमें सबसे कह लीजिए लीडर थे, इन्होंने स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में मुख्य रूप से भूमिका निभाई। इसी क्रम में जो है ये एक इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, तो इसके भी जो है पहले चेयरपर्सन विक्रम साराभाई थे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक इसमें से क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का जो लिमिटिंग फैक्टर है, तो बेसिकली क्या है कि एक्वाटिक सिस्टम में जो जलीय वातावरण में जो भी बायोडाइवर्सिटी है, प्रजातियां हैं, ठीक है, तो उनके पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह को रिस्ट्रिक्ट करता है उसके साइज को लाइट और ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट को चुनेंगे। चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे कौन से हैं? तो ये जो है चंबल रिवर से संबंधित प्रोजेक्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य इसमें से कौन सा है? तो जैसे उत्तर प्रदेश का हमारा जो क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक, ठीक है, तो जयपुर घराने से भी संबंधित यही है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित रॉकेट है? तो 2022 नवंबर के आसपास इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा में, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, विक्रम एस नाम है इसका, ठीक है, और इसको डेवलप करने वाला जो कह लीजिए इंडिया का पहला प्राइवेट स्टार्टअप है, तो हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है, ये इसका नाम था स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको भी हो सके तो ध्यान रखेंगे। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? तो कुछ जो नई वैरायटीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप की जाती हैं, है ना, कुछ क्रॉप से संबंधित जिसमें उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसी में से एक दो ये भी हैं, माही कंचन और माही धवल। इसके अलावा जैसे एक मेघा है, ठीक है, तो मक्का की बहुत प्रमुख वैरायटीज़ हैं और मुख्य रूप से इनका जो उत्पादन देखा जाता है राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जैसे भीलवाड़ा, है ना, उदयपुर, बूंदी, ये सब जो है। निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? तो जैसे एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा ग्लास प्रिज्म वाला, जैसे किसी ऑप्टिकल ग्लास का एक पिरामिड शेप में प्रिज्म है और यहाँ पे वाइट लाइट जैसे डालते हैं, तो यहाँ पे जो ये लाइट है 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होती है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डेविएट होता है, ठीक, तो जो हमारे विभ्योर के कलर्स होते हैं इंद्रधनुष वाले, तो वॉयलेट, ठीक है, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, फिर ऑरेंज और रेड, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट, फिर सबसे कम कौन सा हो गया रेड, फिर ऑरेंज, ये कम डेविएट होते हैं, तो वही यहाँ पे पूछा गया था। तो अब चूंकि इसमें रेड है नहीं ना, तो सबसे जो
सेकंड लास्ट होगा वो ऑरेंज हो जाएगा। मनुष्य में होने वाली इंसेफलाइटिस जो है बीमारी, तो निम्नलिखित में से किस वाहक से स्थानांतरित होती है ये बताना है। तो जापानीज जो इंसेफलाइटिस होता है इसको आपने पढ़ा होगा वैसे, तो इसका जो बेसिकली ट्रांसमिट है एक व्यक्ति से दूसरे में, तो इन्फेक्टेड जो ये क्यूलेक्स स्पेशीज ऑफ मॉस्किटो होता है ना, इसके माध्यम से होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी वाला जो है ये करेक्ट है। अगला है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाते हैं? तो ये सावन के महीने में जो श्रावण अमावस्या होगी, ठीक, यहाँ इस पे मनाते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हीविया ब्रसीलियंसिस इसमें से किसका सामान्य नाम है, सॉरी इसका सामान्य नाम क्या होगा? ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम बेसिकली यहाँ पे लिखा है, तो ये सामान्य रूप से जो आप रबर जानते हैं उसका साइंटिफिक नेम होता है हीविया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम में यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में दो अवयव होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो दो कंपोनेंट मुख्य रूप से कौन से, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक में क्या होते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो शामिल होते हैं, और एबायोटिक में नॉन लिविंग। ऑप्शन इसमें डी को चुनेंगे। दोनों के जरा एग्जाम्पल्स कोई कॉमेंट करके बताइए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने अदालतों में संपत्ति जो संबंधित पारिवारिक विवाद हैं उसको कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था रिसेंटली, ऑप्शन फर्स्ट। ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रॉपर्टी संबंधित जो डिस्प्यूट्स होते हैं फैमिलीज में उसको कम किया जाए, सेटलमेंट को इसमें जो एक तरीके से बढ़ावा देना है। स्विगी जो एक कंपनी है फूड टेक, आप जानते होंगे फूड डिलीवरी मुख्य रूप से इनका कार्य है, तो इन्होंने अभी हाल ही में स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए चावत ई बाज़ार 2023 एक इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो गोवा और स्विगी ने ये स्कीम जो है स्टार्ट करने का अनाउंस किया है, जिसमें जो स्मॉल स्केल के कुछ उद्यमी हैं उनको ऑनलाइन स्टोर्स को सेटअप करने में इस योजना के अंतर्गत मदद की जाएगी। ठीक, तो इसमें सी ऑप्शन को चुनेंगे, गोवा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने इसमें से किसको गाडी चेरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो आंध्र प्रदेश के ही जो पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे असेंबली के मंडली बुद्ध प्रसाद, इनको दिया गया है ये अवार्ड, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं अभी एस अब्दुल नज़ीर, ये इससे पहले किस पद पे कार्यरत थे? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इसको शुरू किया है? तो ओडिशा में नवीन पटनायक जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने स्टार्ट की है इस स्कीम को, और मुख्य रूप से जो राज्य के कह लीजिए मदर्स हैं और जो यंग गर्ल्स हैं चिल्ड्रन हैं उनके न्यूट्रिशनल डिमांड्स जो हैं उसको इस स्कीम के तहत फुलफिल किया जाने का प्रयास है। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान और किस अन्य राज्य के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ता की जो खेती होती है उससे संबंधित लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो बेसिकली इसमें जो है एनुअल लाइसेंसिंग होती है, अफीम की खेती ऐसे नहीं की जा सकती क्योंकि इसको इलीगल रूप से भी लोग कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे ये रेगुलेटेड होता है। तो यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश इनके लिए रिसेंटली जो है लाइसेंस इशू किया गया है। इसमें बेसिकली कुछ की आउट्स ये है कि लगभग 1,12,000 जो फार्मर्स हैं उनको ये लाइसेंस मिलने की उम्मीद है, जिसमें से करीब जो है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 10,500 ऐसे फार्मर्स हैं जिनको ये लाइसेंस मिलेगा। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो कल्टीवेशन एरिया है ओपीएम का, वो जैसे मुख्य रूप से गाजीपुर है ना, इस ज़िले में होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये मनाते हैं 15 सितंबर को, थीम ध्यान रखिएगा एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षा पाने वाला अंतिम व्यक्ति था? तो बुद्धिस्ट संघ में जो सबसे लास्ट में कह लीजिए शामिल हुए, सुभद्र, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये पूछा जाता है कि पहली महिला कौन थी जिसको भिक्षुड़ी के रूप में शामिल किया गया, तो प्रजापति गौतमी। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह के द्वारा किसको साहिब ए आलम बहादुर का किताब दिया गया? ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंपनी के अगेंस्ट में जो 1857 की क्रांति हुई, तो रेबल फोर्सेस जो ये बहादुर शाह के अंडर थी उसके कमांडर इन चीफ बख्त खान को ये टाइटल इन्होंने दिया था, ऑप्शन
सी। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो जो है स्वराज पार्टी के को फाउंडर भी थे, है ना, विट्ठल भाई पटेल, और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ते हैं उनके बड़े भाई थे। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है अध्यक्ष रहे अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 के मध्य। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कुछ योजनाएं लिखी हैं और उनके शुरुआत का जो वर्ष है वो लिखा है, तो इसको मैच करना है। यहाँ पे हम ऑप्शन सी के हिसाब से इसको मैच कर लीजिएगा, ये सही आंसर है। इसमें एक पेयर हमारे पास इस चीज़ का है कि कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं और संबंधित जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बजाते हैं उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, सुमेली तो इसमें लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो अमजद अली खान जो ऑप्शन डी में लिखा है पखावज प्लेयर नहीं है, ये सरोद प्लेयर है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन जो हैं वो ठीक हैं। नेक्स्ट है करनाल बंट, इसमें से किस फसल का रोग है? तो ये जो है अक्सर पूछा जाता है, फंगस एक होता है टिलेटिया इंडिका, ठीक है, उसके माध्यम से होता है इसमें गेहूं की फसल में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग विकास अधिनियम इसमें से किस वर्ष में पारित हुआ था? तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है इसके संबंध में, 2006 का एमएसएमई एक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संबंध ये है कि पक्षी विहार का नाम लिखा है और स्थान, है ना, तो स्थान में मुख्य रूप से जिले लिखे हुए हैं, तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है उन्नाव जिले में है, ठीक है, प्रयागराज में नहीं है। नेक्स्ट है गरसोप्पा जलप्रपात इसमें से कहाँ अवस्थित है? तो वेस्टर्न घाट इसमें हम चुनेंगे क्योंकि कर्नाटक जो हमारा स्टेट है वहाँ पे शिवमोगा जिला है जो है उसमें ये स्थित है, और इसी का एक अन्य नाम जो आप जानते हैं पॉपुलर रूप से जोग जलप्रपात, ठीक है, या फिर इसको फॉर्मली महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहा जाता है। और संबंध कौन सी नदी का है इससे? तो शरावती रिवर, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, लघु हिमालय जो है उसकी स्थिति पूछी जा रही है। तो हिमालय रेंज मोस्टली हम जो देखते हैं, ठीक है, तो इसका जो डिवीज़न है मुख्य रूप से चार उसमें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में कह लीजिए हम देखते हैं, तो ट्रांस हिमालय इसको छोड़ दीजिए, ग्रेट हिमालय रेंज, ठीक है, फिर बीच में हमारा जो है वो लेसर हिमालय वही है जिसको कि आप यहाँ पे पूछा गया है, और सबसे लास्ट में हमारी शिवालिक रेंज है, ठीक है, तो यही जो लोकेशन इसकी है आपका लघु हिमालय की, तो ये मध्य में इन दोनों की होगी, तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक, इसके हिमालय की पूरी ज्योग्राफिकल लोकेशन इसके साथ साथ जैसे जो हमारी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, है ना, जैसे पीर पांचाल वगैरह हो गया, तो इन सब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो टनल वगैरह है ये सब पूछा जाता है, तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। हमारे पास डेजर्ट और देश की सूची है उसमें गलत कौन सा है? तो गिब्सन डेजर्ट जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राज़ील यहाँ पे गलत दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो मुख्य रूप से तीन ऐसी थियरीज हैं माउंटेन बिल्डिंग की, ठीक है, ओरिजिन ऑफ माउंटेन कह लीजिए, जो पूछी जाती है अक्सर, जैसे एक पहला है जियो सिंक्लिकल, ठीक है, और ऑर्गियन थियरी एक करके है, ऐसे इसके जो प्रोपाउंडर हैं उनका नाम है कोबर, ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थियरी पूछी जाती है जिसके संबंधित ये जिसके द्वारा दी गई, इनका नाम था जेफरी, ठीक है, और यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी थियरी है ये जॉली इनका नाम था, ठीक है, 1925 का राउंड ये बताई गई थी, तो इसमें फर्स्ट को चुनेंगे। इन तीनों के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? ठीक है, तो जैसे डक्कन प्लेटू आप इंडिया में देखते हैं वेस्टर्न पार्ट में हमारे, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे जो हमारा कोलोराडो प्लेटू है यूएसए में, ये सबसे बड़ा जो है प्लेटू है, इसका अगर हम एरिया की बात करें तो ये लगभग 386,000 प्लस जो स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। ठीक, कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो हमारे साउदर्न टिप पे कन्याकुमारी में देखेंगे तो इसके क्लोज है कार्डमम हिल्स, ठीक है, इलायची की कल्टीवेशन यहाँ पे होती है, और जैसे ये आपने अन्नामलाई हिल्स देखा, मतलब पढ़ा होगा उसके बारे में, तो उसके साउथ में कोरोमंडल हिल्स जो है इसकी लोकेशन है, तो चाहे तो मैं आप एक बार लोकेट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो इंडिया की जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है उसमें कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सब उत्तराखंड उसमें जो आप देखते हैं ये हैं। बाकी गोसाई थान जो है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, इसकी लोकेशन तिब्बत में है ना, तिब्बत के रीजन में। इसको जो है शीशा पांगमा करके भी इसका नाम है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये ऑड हो गया। आल्प्स माउंटेन रेंज यूरोप में स्थित है और किन किन देशों में इसका विस्तार है ये पूछा गया है। तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी वाला जो है ये मोस्टली करेक्ट है। इसके अलावा जर्मनी, स्लोवेनिया, ठीक है, ये सब देश हैं। कोटा कोना बालू सर्वोच्च शिखर इसमें से किस देश का है, ठीक है, तो लगभग 4000 मीटर से ज़्यादा का एलिवेशन है इसका और ये लोकेशन है मलेशिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो मध्य भारत में देखेंगे, मध्य प्रदेश वगैरह के रीजन में, तो विंध्याचल और सतपुड़ा, ठीक है, इनके मध्य इसकी लोकेशन है। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पर्वत श्रृंखलाएं जो भारत में है मुख्य रूप से, तो जैसे आबू पहाड़ियां, तो ये अरावली का पार्ट है, माउंट आबू वगैरह, तो ये सबसे नॉर्थ में यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विंध्य, फिर सतपुड़ा और अजंता पर्वत यहाँ पे जैसे औरंगाबाद वगैरह में, ठीक है। तो ये क्रम सही जो है लिखा हुआ है नॉर्थ से साउथ, मैप पे भी लोकेट कीजिए इसको। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए यूपी सरकार और किस कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। तो यहाँ पे जो है लगभग स्टार्टिंग में 200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इस प्लांट को शुरू करेंगे ये अशोक लेलैंड, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बस मैन्युफैक्चरिंग को जो है इसमें मुख्य रूप से इको फ्रेंडली बस जैसे ई बसेस वगैरह इनका डेवलपमेंट किया जाएगा और प्रपोज है कि ये जो यूनिट सेटअप करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का ये लखनऊ में होगा और ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स कुल लगभग 1000 करोड़ रुपए जो है उसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट अशोक लेलैंड करेंगे और बस की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये ज़रूरी है, उसको ध्यान रखेंगे। वर्ष 2026 में 20वें एशियाई खेल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो अभी जैसे जो 23 सितंबर 2023 से आयोजित हो रहा है होंगजाऊ चाइना में, ये 19th एडिशन का एशियन गेम्स है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और इसके बाद जो अगला होगा 20वां वो 2026 में होगा जापान में। हाल ही में खबरों में रहा भोज वेटलैंड किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। बेसिकली चर्चा में ये इसलिए था कि ये जो कुछ जैसे क्रूज होते हैं या मोटर बोट्स होती हैं ना, तो जो मोटर ऑपरेटेड हैं उसको स्टॉप करने के लिए एक एडवाइजरी भी रिसेंटली जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है NGT इन्होंने जारी किया है, ठीक है। हो क्या रहा है कि अब जैसे मोटराइज्ड व्हीकल्स को यहाँ पे इन वेटलैंड्स में यूज़ किया जा रहा है, तो उससे यहाँ के एरिया में इन्वायरमेंटली एज वेल एज कुछ अन्य जो कह लीजिए इम्पैक्ट हैं वो हो रहे हैं। तो इसी के रेफरेंस में कंप्लेन थी, तो इसी के रिगार्डिंग कि इन चीज़ों को तत्काल प्रभाव से जो मोटराइज्ड क्रूज और बोट सर्विसेज यहाँ पे की जा रही हैं उसको बंद किया जाए, तो NGT ने ऑर्डर दिया था, इस वजह से चर्चा में रहा था। तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश इसका आंसर है। 14 सितंबर 2023 को तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। अभी हिंदी दिवस जो है मनाया गया, तो चूंकि ये राजभाषा सम्मेलन जो है इसी अवसर पे मनाते हैं, तो इस बार आयोजन इसका हुआ है पुणे में, ठीक है। आयोजनकर्ता कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसके अंतर्गत जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो ध्यान रखेंगे 14 और 15 दो दिन चला था। 15 सितंबर 2023 को रोश हशानाह उत्सव मनाया गया है, तो ये जो है किस धर्म से संबंधित लोगों का न्यू ईयर है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहूदी समुदाय से संबंधित है, ऑप्शन बी। 15 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का तीसरा वार्षिक समारोह कहां पर आयोजित किया गया। तो मत्स्य संपदा योजना जो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक है ना टारगेटेड है, तो मुख्य रूप से जो फिशरीज़ के वैल्यू चेन है उसमें फिश प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इन सबसे संबंधित है इसका उद्देश्य, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो उसी क्रम में अभी तीसरा जो है ना, तीसरा साल पूरा हुआ है, तो वार्षिक समारोह आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर में, ऑप्शन फर्स्ट। 15 सितंबर को दूरदर्शन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया,
दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी हमको ये बताना है। तो जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है टीवी का डीडी यानी कि दूरदर्शन, तो स्थापना इसकी हुई थी 15 सितंबर 1959 को, ऑप्शन सी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये थीम है किसका, विश्व ओजोन दिवस 2023 का। तो ये किस दिन मनाया गया ये बताना है। तो ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसको किस वर्ष में साइन किया गया था, ठीक है, जो ओजोन परत से संबंधित है, जरा इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है, इसके आगे से अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।